हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इनके ARC से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ARC देखने को मिल सकती है, यस बैंक NPO 0 देखने को मिल सकते हैं। उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आया है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या सच में अब यहाँ से जो शेयर है वो 20 रुपये के टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अभी भी इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें फ्राइडे के मार्केट सिनेरियो के बारे में, जो कि आपको यस बैंक में देखने को मिला 14 रुपये 10 पैसे के आसपास की क्लोजिंग, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग देखने को मिली है यस बैंक की, जो कि बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा था। यानी कि अगर आप देखोगे 2-3 अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिले थे, उसके बाद जो शेयर में फिर से गिरावट आई थी, लेकिन अगर आप देखोगे जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो आपको यहाँ पे 14 रुपये 10 पैसे पर देखने को मिली है। वॉल्यूम के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको BSE का डेटा मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो देखने को मिल रही है, +36% के आसपास की यहाँ पे आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें वॉल्यूम जो टोटल निकल के आया है NSE और BSE का, तो करीबन 9 करोड़ के आसपास का है, और अगर आप उससे पहले देखोगे 17 करोड़ के आसपास का है, और ओवरऑल एवरेज अगर आप प्रॉफिट जो वॉल्यूम है वो अगर आप देखोगे तो 12 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिले। अब हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि जो अपडेट्स हैं और क्या क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहे हैं उन सारी चीज़ों पर। यस बैंक पे डिस्कशन करने से पहले मैं एक आपको स्टॉक बता देता हूँ जिसमें आपको जो डिविडेंड है और जो बायबैक है वो देखने को मिलने वाला है। वीडियो के एंड में एक और स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको यहाँ पे बोनस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो TCS जो कि आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आता है, जिसके आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे नज़र आते हैं, इसकी क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे फ्राइडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी। नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो स्टॉक है वो 7 रुपये पर शेयर का आपको यहाँ पे डिविडेंड देते हुए नज़र आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 31 दिसंबर को इसकी जो बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई थी उसमें अगर आप देखो तो उसमें आपको देखने को मिला था 7 रुपये पर इक्विटी शेयर ऑफ ईच 1 रुपी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डेट निकल के आती है वो निकल के आती है 7th of Feb 2022, यानी कि 7 फरवरी को आपको ये डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। प्लस अगर आप देखो तो यहाँ पे बायबैक का ऐलान भी हो चुका है, उसकी रिकॉर्ड डेट जैसी आएगी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू कंफर्मेशन दे दूंगा। अब ARC से रिलेटेड जो बड़ी खबर निकल के आ रही है यस बैंक की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको बताइए, मैंने वीडियो के थ्रू आपको अपडेट दी थी कि यहाँ पे मिंट पर आपको एक न्यूज़ देखने को मिली है कि वाई यस बैंक इज सीकिंग अ 12,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इट्स ARC। यानी कि आपको पता ही है कि यहाँ पे ARC बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, जिसमें डिफरेंट कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीबन 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यस बैंक देख रही थी कि जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, और जो यस बैंक के NPAs हैं वो बिल्कुल उसमें ट्रांसफर करके जीरो कर दिए जाएंगे। लेकिन एक रिसेंटली बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक्सचेंज की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक्सचेंज ने यहाँ से क्लेरिफिकेशन मांगा है यस बैंक से विद रिस्पेक्ट टू द न्यू आर्टिकल अपियरिंग ऑन www.livemint.com। यानी कि अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे यस बैंक से यहाँ पे जवाब मांगा गया है, क्या ये सच में सही न्यूज़ है, क्या आपने यहाँ पे ऐसा कुछ बताया है, या फिर जस्ट एक ये फेक न्यूज़ है। ये अगर आप देखो तो एक्सचेंज की तरफ से यस बैंक से पूछा गया है।
अभी तक यस बैंक का कोई भी जवाब नहीं निकल के आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ARC पर अब एक्सचेंज भी यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, उन्होंने भी यहाँ पे यस बैंक से अपडेट मांग ली है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के मार्केट के दिन देखने को ज़रूर मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल यहाँ से दिखाई देता है। बाकी दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ से रिवील हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपको जुलाई और सितंबर में प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो दिखाई देती थी वो अब 1.42 देखने को मिल रही है, यानी कि प्रमोटर्स ने खरीदारी कर ली है यस बैंक में। यहाँ पे अगर आप देखो FIIs की जो होल्डिंग्स थी जून 2021 में वो आपको करीबन 12.03 के आसपास नज़र आती थी, वो बढ़कर 13.89 हुई सितंबर में और 14.87 हो गई है दिसंबर 21 में। वही सेम सिनेरियो अगर आप देखोगे तो वही म्यूचुअल फंड्स का भी दिखाई देता है कि जिन्होंने जुलाई में, तो अगर आप देखो यानी कि जो प्रीवियस क्वार्टर था सितंबर से, वहाँ से अगर आप देखोगे तो 0.73 था, फिर सितंबर में आपको 0.54 हुआ यानी कि कम कर दी, फिर 0.57 दिसंबर में, फिर से म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खासी खरीदारी की है। लेकिन DIIs कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को कम करते हुए नज़र आ रही है, जिसमें अगर आप देखोगे तो नज़र आते हैं HDFC जो आपको यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो नज़र आती है, उसने अपनी होल्डिंग्स को काफ़ी हद तक कम किया है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे जो इनके इंस्टीट्यूशन या बैंक हैं उसमें आपको ICICI बैंक जैसा नाम नज़र आता है, बंधन बैंक जैसा नाम नज़र आता है, जिन्होंने अपनी होल्डिंग्स अच्छी खासी बना के रखी हुई है। तो जो न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया है उससे सीधा सीधा यही यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो स्टॉक है उसमें एक मजबूती बन रही है, उसमें म्यूचुअल फंड्स भी निवेश कर रहे हैं, FIIs भी निवेश कर रहे हैं, फाइनली प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर दिया, तो डेफिनेटली मजबूती बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। पाइवट टेबल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसमें गिरावट या उछाल आएगा तो कौन कौन से लेवल्स हैं जो सबसे पहले टच होंगे। उछाल आया है तो 14.18 रुपये, 14.32 रुपये या 14.48 रुपये, ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको टच होते हुए नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें फिर से कोई गिरावट आती है तो 13.88 रुपये, 13.72 रुपये और 13.58 रुपये यानी कि जो वैल्यू निकल के आती है वो आपको टच होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं दूसरे स्टॉक के बारे में आपको बता देता हूँ जिसमें आपको बोनस देखने को मिलने वाला है। कंपनी का नाम निकल के आता है इजी माई ट्रिप प्लानर, और अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि उन्होंने यहाँ पे बोनस इश्यू किया है ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 equity share ऑफ ₹2 ईच फॉर 1 equity share ऑफ ₹2, यानी 1:1 का आपको यहाँ पे बोनस देते हुए नजर आ रही है कंपनी। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, रिकॉर्ड डेट जैसे ही आएगी तो मैं आपको उसके अपडेट भी दे दूंगा वीडियो के थ्रू। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है यस बैंक में, अगले जो वीक है उसमें मजबूती नज़र आ रही है, तेज़ी नज़र आ रही है। और ये जो स्टॉक्स हैं अगर आपको इनमें निवेश करना है फॉर जस्ट द कॉरपोरेट एक्शन तो आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।